स्ट्रॉबेरी, इमली। इसमें ये हम वो लगाएंगे ना गोल्डन। कौन है? हेलो रियान, रियान एंड गैंग। क्या चल रहा है? This thing that we made, this group of we're collecting e-waste. E-waste. Electronic waste. अच्छा, electronic waste. Come. So, इसका क्या करने वाले हो? Oh, we're going to give it to this authorized NGOs. See. The when you give it to kabadi walas, they electronics have harmful chemicals. Correct. And precious metals. Correct. They just put those harmful chemicals in anywhere and everybody can get. आज ही है या इसके बाद भी कर रहे हैं? अभी तक तो मेरे पास कुछ ऐसा नहीं, सी क्लीनिंग चल रहा है, तो जैसे ही क्लीनिंग फिनिश होगा कैन यू कम टुमारो आल्सो? या वी कैन कम टुमारो, और अदरवाइज आई विल कम। कहीं है ऐसा जगह जहाँ पे आप लोग नीचे? नॉट रियली, नो नो, सो वी विल गो टुमारो। ओके ठीक है। और दैट इन इवन, नो टेल टू मी, नो यू वर सेइंग समथिंग, नो इफ यू विल कम हां फास्ट एंड जल्दी जल्दी भागकर हां तो एविल के नीचे ठीक है। तुम पानी पियोगे? इट्स फ्लेवर डू यू वॉन्ट? स्ट्रॉबेरी, इमली और इतना सेंसिबल काम कर रहे हैं बच्चे की क्या ही बताओ यार। वी डोंट थिंक अबाउट दीज थिंग्स। हम लोग क्या सोचते हैं, ज्यादा से ज्यादा एनजीओ सोचते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नीडी लोगों को, लेकिन यार उसमें हार्मफुल क्या है, उसमें यूजफुल क्या है, ये सब चीजें तो हम सोचते ही नहीं। सो एनीवेज, गुड मॉर्निंग गाइस। काफी कुछ हो चुका है आपको पता है, अभी हम लोग साथ में बाहर चलेंगे। मैं शार लेने ही जा रही थी तब तक ये टिंग टोंग की घंटी बजी और छोटे छोटे मास्टर्स यहाँ, छोटे छोटे तो नहीं, रियान को मैंने इतने इतने छोटे से देखा है और अभी ये घूम घूम कर काम कर रहे हैं दिवाली पे। सो दिवाली पे कितना कुछ होता है इसीलिए मुझे इतना स्पेशल लगता है, बहुत ज्यादा स्पेशल लगता है। अभी भी ये एरिया डंप यार्ड बना हुआ है, सारा कुछ यहाँ डंप है, लेकिन अंदर काफी कुछ समट गया है। अभी निकलते हैं बाहर और फिर मिलते हैं इस हुलिया को चेंज करने के बाद। ओ, इतने दिन के काम धाम के बाद अब हो गई हूँ फ्री, लेकिन काम अभी भी नहीं हुआ है खत्म। अब हम जाएंगे मार्केट, ऑफ कोर्स दिवाली है तो कुछ लाइट्स तो होना चाहिए, कुछ एड ऑन घर में, और मुझे सम्भाव मिर्ची लाइट छोटी छोटी बहुत पसंद है तो दिवाली में लाती हूँ और परमानेंटली लगा रहता है, तो मेरा मन है कि जा करके फ्रेश शॉपिंग करते हैं। चलो मार्केट दिखाती हूँ, मुंबई के मार्केट में अभी क्या धमाल मच रहा है, मैं भी देखना चाह रही हूँ। और मुझे मेरी फ्रेंड से भी मिलना है, वो भी शॉपिंग कर रही है, टेलर के पास भी जाना है, ऑफ कोर्स घर को सजाना है, खुद भी तो सजना है ना। तो एक ब्लाउज़ मैं अपने जूहू वाले बुटीक में जा रही हूँ देने के लिए। सो लेट्स गो, आ जाओ। सॉरी गाइस, मैं नहीं मिल पाई कल क्योंकि पूरे दिन काम करते रहे थे। मुझे पता है आप लोगों में से भी कुछ लोग काम में इतने बिजी होंगे कि वेट भी नहीं कर रहे होंगे, सही ना। डब्बे धुल गए जी, शीशी मिल नहीं रहा या टूट गया और ढक्कन बचे हुए, समझ में नहीं आ रहा क्या करना, क्या करना है? नहीं था रखे रहो, डिब्बा नहीं है ना, कांच है, ज़रूर तमाम हो चुका है। तू तमाम की है या मैं तमाम की हूँ या इसकी पहले वाली तमाम करके गई है? चलो निकलने से पहले सोचा मामा जी के लिए थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता बना के रख देती हूँ, क्योंकि आने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, इतना ट्रैफिक जो होगा। अगेन झटपट वाला पोहा, पोहा मतलब चूड़ा। ओके गाइस, घर का काम थोड़ा निपटा करके थोड़ा शांत हुई हूँ। अरे साथ में रख ली तीन चार ब्लाउजेस, मुझे वो भी अपना यहाँ बनवाना है। कहा था ना जूहू में मेरी एक है बुटीक है, तो इस पर वहाँ ट्राई कर रही हूँ, ट्राई क्या करना है, वहाँ तो अच्छा ही बनेगा, तो चलो सोचा साथ में थोड़ा घुमाते हैं।
घर भी रहना है, घर पर ज्यादा काम है, बाहर कम काम है, लेकिन दोनों ही मैनेज करने के चक्कर में समझ नहीं आ रहा क्या कर रही हूँ। कैसा चल रहा है यार, आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है? मेरी तो बहुत ही बेहाल, लास्ट मोमेंट वाला है ना, इसलिए बेहाल है। दिवाली बवाल भी मचने वाला है, दिवाली डैश। हम लोग बाप रे 22nd को है, 22nd ये 23rd धनतेरस। इस बार धनतेरस और दिवाली में गैप नहीं है ना एक दिन का, वो भी गड़बड़ है। लेकिन आज मैं और सुनीता जी दिवाली का ही अपना तर्जी करने वाले हैं, उनको भी कुछ लेना है, उनको भी ब्लाउज एक्चुअली लेना है। दिस इज कॉल्ड हैप्पी दिवाली। दिवाली में थोड़ा धूम तो रहता ही है, दिवाली दिल्ली में बहुत धूम धड़ाके से होती है, मुंबई में थोड़ा हल्का फुल्का होता है, पर रतन कहीं भी रहे उसकी एक जैसी दिवाली होती है, घरेलू दिवाली। आधा तो इन्होंने यही वो कर दिया है सब। ये है क्या, फैशन वीक है ना? वो फैशन वीक चल रहा है। अभी सिग्नल से राइट ले ली, कोई सही नहीं है यार, प्यार नहीं कर सकते, मत करो, कोई बात नहीं। आपको याद रहता है ये जगह तो मैं भूल जाती हूँ यार। मैं एक बार देख के नहीं गई, और फिर मैं तो यहाँ रही हूँ ना 2 साल। करेक्ट, आगे लेफ्ट डाला। ये ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? ये वाला ये करेंगे ना, अगर बचेगा इसमें ये हम वो लगाएंगे ना गोल्डन। तो अभी दे दोगे ना या नहीं? वो मैं मेरे को बाद में देना पड़ेगा, अभी कहाँ से आऊंगी। इसका तो पीछे बंद वाला ही बनाना पड़ेगा। इतनी ऐश जब से मैं मुंबई आई हूँ तब से मैं यही से दिवाली की शॉपिंग करती हूँ। लक्ष्मी गणेश छोटे छोटे वाले आए थे ना, वो तो मैं धनतेरस वाले दिन ले जाऊंगी। मुझे जम का दिया जलाना है ना, उसके लिए मैं 8 दिया ले रही हूँ, ताकि 50 रुपए दर्जन। नमस्कार, पिछले साल हाँ हमारे पापा जब गुजर गए उसके बाद से हमने उतना मनाया नहीं। आप निकालो, आप जो हाँ मेरी पैसे का टेंशन नहीं है, बस धनतेरस वाले दिन हम लोग शॉपिंग करेंगे सारी चीजें। लेकिन जम की दिया मैंने पुराना दिया जला दिया, मेरे पास दिया है तो आज लेकर जा रही हूँ, कल इसको जला दूंगी, पुराना हो जाएगा। नहीं ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। कहा ना गई थी मैं मार्केट और साथ में बहुत सारे काम किए मैंने और सुनीता राजवार जी ने। तो सुनीता जी ने अपना तो काम कर लिया यार, दिवाली विश कर दिया है सुनीता जी ने, और इसमें बड़ा ही खास चीज़ उन्होंने बताया है वो इसमें है। और इसमें क्या है, कल हम साथ में ये काम करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे भी कि क्या है। कितना अच्छा लगता है ना कोई आपको ध्यान में रखकर आपकी तरह का कोई गिफ्ट खरीदे, बड़ा अच्छा लगता है, स्पेशल फील होता है। और मैं अपनी बहनों को अक्सर कहती थी मुझे छोटा से छोटा चीज़ भी कुछ भी ना गिफ्ट रैप में रैप किया हुआ बहुत अच्छा लगता है। इट डजेंट मैटर कि अंदर क्या है, पर ऊपर भले ही वो न्यूज़पेपर से कवर किया हो मुझे बहुत पसंद आता है। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है ना, या कुछ कुछ चॉइस नहीं कहेंगे इसको, कुछ कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी चीज़ें जो आपको खुश कर देती हैं, तो मेरे लिए ये बहुत ख़ास है। अंदर एक भले ही छोटा सा टॉफी हो लेकिन वो पैक किया हो तो बड़ा अच्छा लगता है। तो चलो और क्या लेकर आई हूँ बताती हूँ। मैंने आज बड़ी समझदारी का काम किया, पता क्या किया, धनतेरस के दिन हमारे यहाँ जो जो ख़रीदारी होती है मैंने वो सारे पसंद करके पैक करके एक जगह रख दिया, और जहाँ से मैं हमेशा लेती हूँ। और धनतेरस वाले दिन अब मुझे कुछ नहीं करना है, बस जाना है, पैसे देने और वो सामान उठा लेना है। तो टाइम सेविंग सही किया है ना। अब आप कहोगे तो आज गए, उससे अच्छा उसी दिन कर लेते, उस दिन बहुत भीड़ होता है यार, वो वाला भैया नहीं, भैया वो नहीं, वो वाला तब तक वो वाला जो वो कर रहे हैं वो बाजू वाला ले करके निकल चुका होता है बस। तो इस पचड़े में नहीं पड़ना था मुझे, इसलिए लाइट्स लेकर आई हूँ, लाइट्स। चलो अब मैं लाइट शाइट लगाती हूँ
और हम लोग मिलते हैं कल, थोड़ा मिलेंगे अच्छे से, आज तो बहुत खाई खाई मेरे भी। हैप्पी दिवाली, आई लव दिवाली यार। ये एक बहाना है बेसिकली घर को सजा, दिवाली तो एक बहाना है, हमें तो बस घर सजाना है। मैं रीअरेंज कर रही हूँ सब कुछ, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है, और अकेले भी हो ना, नीता चली जाती है फिर मैं टुकुर टुकुर अपने काम में लगी रहती हूँ थोड़ा थोड़ा। तो चलो मिलते हैं कल, अभी मैं लगाऊंगी अपने लाइट्स। अब और कुछ नहीं, आप लोग भी अपनी सफाई और सजावट करो, सफाई तो सबकी हो गई होगी, अब सजावट चल रहा होगा।